हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैरेमल सॉस बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही सिंपल वे से बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ हाफ कप चीनी लिया, जो दानेदार चीनी होता है वो आधा कप चीनी है। इसमें आपका दो बड़ा जो बड़ा स्पून है टीस्पून, वो 2 टेबलस्पून आपका इसमें पानी जाएगा। 1/4 कप हैवी क्रीम और 3 बड़े चम्मच बटर, ठीक है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हो तो आप चुटकी भर यहाँ नमक ऐड करना, मैं सॉल्टेड वाला बटर यूज कर रही हूँ। और कैरेमल एसेंस, ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहते तो इसके बगैर भी ये बहुत बिना एसेंस का भी ये बहुत ही बढ़िया बनता है। इसको बनाने के लिए आपको हैवी बॉटम, एक जो इस तरह का एक बॉटम पैन लेना है और इसको आपको गर्म होने के लिए रखना है। इसमें आपको ये चीनी इस तरह से रखकर इसको टच नहीं करना है, इसे आपको कैरेमलाइज होने देना है। 2 बड़े चम्मच आप पानी के ऐड कर दो, 1 2 बस 2 चम्मच आपको पानी देना है। इसको इस तरह से हिलाना है और इसको बस कैरेमल होने के लिए आपको रखना है, इसे आपको छेड़ना नहीं है, इसको बस आप बीच बीच में आपको इस तरह से हिला देना है। ये देखिए अभी अभी हल्का हल्का आपका ये होने लगा है, बस आपको गैस को धीमी रखना है, बी श्योर कि ये जले ना, बस आपको चीनी को पूरा गलाना है। अब आप साइड में बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको हिला लें, आपको चीनी को पूरे अच्छी तरह से गलाना है। अब धीरे धीरे आप इसको हिलाएं, अभी भी देखिए इसमें दाने नजर आ रहे हैं, इसको और आपको कैरेमलाइज करना है, ठीक है। आप इसको बनने में करीब 12 मिनट लगते हैं, इसको कम करके आपको इसमें 3 बड़े चम्मच बटर के ऐड करने हैं। बटर को ऐड करके आपको इसको हल्के इसको मिक्स करना है, ध्यान रहे कि इसके छींटे आते हैं वो अपने हाथ से आपको बचाना है और बचाते हुए आपको इसको मिलाना है। बटर को ऐड करने के बाद आपको गैस बंद कर देना है और इसमें आपको हैवी व्हिप क्रीम, जो हमने इसमें आपको व्हिप क्रीम जो 1/4 कप हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ अगर आप एसेंस यूज कर रहे हो तो इसमें आपको एसेंस के 1 टीस्पून एसेंस भी यूज करना है। एसेंस और क्रीम यूज करने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, गैस को बंद कर लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे फिर से आपको गैस में रखना है धीमी आंच पर और थोड़ी देर इसको पकाना है हिलाते हुए, इस तरह से आपको हिलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट आपको इसी तरह हिलाते हुए इसमें पकाना है। उसके बाद आपको गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। बस हो गया, आपको गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए आपको रखना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कैरेमल सॉस एप्पल, तो हम इस तरह से बनाते हैं। बस ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये हमारा कैरेमल अब ठंडा हो गया है, उसके बाद आपको इस तरह से एक ग्लास के जार में आपको रखना है और इसे बंद करके आपको आप बाहर स्टोर कर सकते हो और इसको आप यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा दिन रखना है तो आप फ्रिज में रखना, फिर निकालने के समय आप इसको थोड़ा गर्म पानी के ऊपर इसी तरह ग्लास को आप रख देना, ये आपका सॉस बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।